जय येसु, प्रभु येसु के सामर्थ्यवान नाम पर अभिवादन करता हूँ। हालेलुया। प्रियजनों, 25वां दिन में है हम बाइबल तीर्थ यात्रा के। आज 4 अध्याय में उत्पत्ति के आखिरी 2 अध्याय रहा है, 49 और 50। इसके साथ बाइबल का पहला पुस्तक हम लोग खत्म कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। मुझे इन दिनों शक हो रहे क्योंकि हिंदी में इस तीर्थ यात्रा में मेरे साथ 750 लोगों से ज्यादा है, लेकिन मैं देखता हूं यूट्यूब में ये वचन की व्याख्या में जो दे रहा हूं 100, 120, 150 लोगों से ज्यादा नहीं देख रहे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा है। तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है, मतलब क्या है कि आपको जो व्याख्या वचन की हम दे रहे हैं उससे कोई मदद नहीं मिल रहे हैं, या शायद आपको वचन पढ़ता होगा और देखने के लिए समय नहीं मिलता होगा, ऐसा है, या आपको आप में ज्यादातर लोग क्या छोड़कर चले गए, क्या हमारे साथ वचन नहीं पढ़ रहे हैं? तो मुझे कुछ शक होने लगा है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग ईमानदारी से ये वचन का पाठ कर रहे हैं। यदि आप कर रहे हैं ना, तो एक मैसेज हमको भेजिए ना, हमारा नाम उस पर दिखाई देगा, और मैसेज भेजिए कि हम है और हम वचन सुनना चाहते हैं, आप व्याख्या दीजिए। नहीं तो मैं कितना कष्ट उठा के, देखिए आज हम 120 दिन के बाद आज मेरे घर पहुंचा है मणिपुर में, हमारे सेवा के जगह में, और बहुत कष्ट तकलीफ के बीच में हम वचन की व्याख्या आपके लिए देने के लिए बैठते हैं। जब आप इसको इस्तेमाल ही नहीं, मतलब आप इसकी फायदा नहीं उठाता है, तो फिर क्यों देना है? इसलिए मैं जानना चाहता हूं क्या आप वचन पढ़ते हैं या सुनना चाहते हैं, या आपको अच्छा लगता है, इसके लिए एक संदेश जरा भेजिए। तो मैं ये सोचता हूं कि उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कैसे भी हो, मैं आज उत्पत्ति ग्रंथ के समाप्ति पे पूरे उत्पत्ति ग्रंथ का एक संदेश आपके दिल में छपने के लिए दे देता हूं। पूरे उत्पत्ति ग्रंथ का संदेश ये संदेश यूसुफ के मुंह से आखिरी अध्याय में वचन 18 से लेकर वहां पर हम पढ़ते हैं। यहां पर क्या हुआ, यूसुफ के पापा याकूब की मृत्यु के बाद यूसुफ के भाई लोगों ने डरने लगा कि ये सोचकर पापा की मृत्यु के बाद शायद भाई हमसे बदला लेगा, क्योंकि हमने कितनी बुराई उनके साथ किया था। जब तक पापा जीवित है उन्होंने हमारे साथ बदला नहीं चुकाया, दंड नहीं दिया, लेकिन इसके बाद शायद वो हमको दंड देगा, सोचकर डरने लगे और माफी मांगते हुए फिर से एक संदेश भेजते हैं, हमारे ऊपर दया करना, हम माफी मांगते हैं। ये संदेश सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसने अपने भाइयों से कहा, देखिए आपको नहीं डरना चाहिए, आपको दंड देते हुए मैं प्रभु का जगह नहीं ले सकता। आप क्या सोचते हैं कि मैं आपको दंड दूंगा? मैं प्रभु का जगह नहीं ले सकता, इसका मतलब क्या है? जब कोई अपने पर किए हुए बुराई के लिए बदला चुकाने के बारे में सोचते हैं, आप प्रभु का जगह ले रहे हैं, आप प्रभु के जगह स्वयं ले रहे हैं। इसलिए बदले की भावना मन से निकाली और यूसुफ कहता है, देखिए आपने बुराई जो भी की है, मेरा प्रभु उसे भलाई में बदल डाला, आज जीवित रहने वाले हजारों के लिए अनुग्रह में बदल डाला है, उनको बचाने के लिए मेरे बुराई को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने जो बुराई मेरे साथ किया उसको दूसरों को बचाने के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। संदेश ये, यदि आप अपने ऊपर दूसरे लोगों से जो भी तकलीफ आपको स्वीकार करना पड़ रहा है, उसको प्यार से स्वीकार कीजिए, विनम्रता से स्वीकार कीजिए, ये जानकर स्वीकार कीजिए कि प्रभु को आपका ध्यान है, प्रभु सब कुछ देखता है, आपके ऊपर की गई बुराई को भलाई में बदलने के लिए प्रभु समर्थ है, ये जानते हुए
अगर बुराई को आप झेलेंगे, स्वीकार करेंगे, तो उस बुराई से प्रभु भलाई उत्पन्न करेगा। वो ऐसी भलाई होगी जिसके द्वारा अनेक लोग बच जाएंगे, अनेक लोगों के जीवन में बदलाव आएंगे, अनेक लोगों के परिवार को बचाने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। ये संदेश आज स्वीकार कीजिए, दिल में रख लीजिए। यूसुफ हमको ये शिक्षा, यूसुफ के द्वारा प्रभु हमको ये शिक्षा देता है। प्रियजनों, अय्यूब के अध्याय 25 में एक छोटे से अध्याय हम देखते हैं जिसपे प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य के बारे में, और उनके सामने हमें कितनी विनम्र बनना है, उनकी दया की हमें भीख मांगनी है, उसकी शिक्षा हमको मिलते हैं। और मत्ती के सुसमाचार के 25वां अध्याय में प्रभु के लिए तैयार रहने की बात और किस तरह ईश्वर के राज्य के लिए हमें कार्य करना है, इन नन्नों में किसी के लिए जो कुछ तुमने किया वो मेरे लिए किया, हम किस तरह दूसरों पर तरस खाते हैं, दया करते हैं, और सब ईश्वर के राज्य में हमारे लिए प्रतिफल बन के आएगा, यह संदेश प्रभु देते हैं। इसलिए प्रियजनों, मैं प्रभु यीशु के नाम में आपको आशीर्वाद देते हुए ये प्रार्थना करता हूँ, सुसमाचार के कार्य में आपका उत्साह बढ़े, प्रभु के वचन को पढ़ने के ये उत्तरदायित्व प्रभु ने आपको सौंपा है, ईमानदारी से आप निभाए। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप लोगों के साथ बने रहे अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय जय श्री।